हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं और झटपट जल्दी से कुछ आसान और फायदेमंद बातें जान लेते हैं कैसे हम घर पे अपनी रोज इस्तेमाल किए हुए चीजों से कंपोस्ट बनाएंगे। तो ये है नीम के पत्ते। आपके घर पे अगर नीम के पेड़ हो तो उनके पत्ते मत फेंकिए, पत्ते को ग्राउंड पे डिकम्पोज कीजिए। और मैं आज अपनी थैली पे छत पे ही ये नीम के पत्ते डिकम्पोज करने जा रही हूँ। तो ये है कुछ रोजमंदा जिंदगी के वेजिटेबल पील्स और फ्रूट पील्स भी है और उनके साथ चाय के पत्ती भी है। सब्जी के छिलके, फलों के छिलके मत फेंकिए, हमारे लिए तो ये गोल्ड है। चाय के पत्ते गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। गार्डन से निकले हुए ड्राई लीव्स भी डिकम्पोज करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ हमें थैली पे स्टोर करना है और थोड़ी मिट्टी मिला के रखना है। 6 महीने पहले की फुटेज दिखा रहे हैं। सर्दियों में और अर्ली स्प्रिंग बहुत पत्ते गिरे थे, अपने आप ही सूख गए हैं। देखिए कैसे करारे हुए हैं। आप चाहे तो 24 इंच के मिट्टी के गमले ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक के बाल्टी। मैं हमेशा 50 किलो पीडिग्री बोरा लेती हूँ, वही आसान है मेरे लिए। नीम खली हम बाजार से खरीद के लाते हैं, तो हम क्यों ना इनके पत्ते गार्डनिंग पे इस्तेमाल करें। अगर मेरे पास नीम के पौधे हो तो हम उनके पत्ते को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों, बहुत शहरों में अभी तक बारिश शुरू नहीं हुआ है, तो उन शहरों में कंपोस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। धूप पे रखिए और बीच बीच पानी छिड़किए। वैसे तो कंपोस्ट 6-7 महीने लग ही जाते हैं, कभी कभी 3 महीने में भी बन जाता है। अगर जल्द डिकम्पोज हो जाए तो आपको फर्टाइल मिट्टी या फिर कंपोस्ट मिल सकता है। अब ये बैग हम धूप में रखेंगे। आपके पास अगर गोबर हो तो गोबर भी डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन गोबर को अलग से आप धूप में सुखा लीजिए। इस पे आप एग शेल्स डालिए और 3-4 दिन के अंतराल में पानी छिड़किए, ज्यादा नहीं, हल्का सा पानी। फिर कुछ 1-1.5 महीना बाद देखिए इनका वॉल्यूम कम हो गया है। फिर आप चाहे तो इनको निकाल के अच्छी तरह मिलाकर फिर से बोरी में रख दीजिए। अगर थोड़ी मिट्टी चाहिए तो मिट्टी डालिए और फिर भूल जाइए। अभी ये जो है 4 महीने बाद ऐसा हुआ है। हमने इस बीच कुछ नहीं किए, बस कभी कभी मिक्सिंग किए थे और पानी डाले थे। अभी तक ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कम्पोस्ट बन जाएंगे। अपने पौधों के लिए मैं कम्पोस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ, मेरे लिए ये सोना है। इनको धूप पे रखिए और कभी कभी पानी छिड़किए। लास्टली एक बात ध्यान रखिए कि कंपोस्ट बहुत बहुत ड्राई होना चाहिए और अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए, वरना फंगस अटैक से पौधे मर जाएंगे। तो धूप पे डिकम्पोज कीजिए अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये वीडियो आपको फायदेमंद हुए हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स से फीडबैक दीजिए कैसी लगी वीडियो। बाय बाय।